हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल मूवीज थंडर। आज हम बात करेंगे डेडपूल 3 की स्टोरी के बारे में, जिसका ऑफिशियल नेम डेडपूल एंड वुल्वरीन है, जो कि इस साल की मार्वल की पहली और आखिरी मूवी है। क्योंकि ये इस साल की मार्वल की आखिरी मूवी है, इसलिए मार्वल वालों ने इस मूवी को बहुत ही ग्रैंड बनाया है। तो इस मूवी की स्टार्टिंग होते ही हम सीधा डेडपूल को देखते हैं, जो हमें बताता है कि वो वुल्वरीन को लेने आया है। और इसके बाद डेडपूल को हम उस जगह पर देखते हैं जहाँ पे लोगन मूवी के अंदर वुल्वरीन को गाड़ा गया था, जहाँ वुल्वरीन की कब्र के नीचे आते ही डेडपूल इसे खोदना शुरू कर देता है और कब्र में गड्ढा करके वुल्वरीन को ढूंढता है। यहाँ पे डेडपूल को ये उम्मीद होती है कि वुल्वरीन अभी अपनी कब्र के नीचे जिंदा होगा, लेकिन जैसे ही डेडपूल वुल्वरीन के कब्र को खोदकर बाहर निकालता है, वैसे हम देखते हैं कि वुल्वरीन की हड्डियों का ढांचा बन चुका है। यहाँ पे डेडपूल थोड़ा निराश होता है और वुल्वरीन के ढांचे को अपने पास बैठा लेता है और उससे बातें करते हुए कहता है कि उसे वुल्वरीन की बहुत जरूरत है। हालांकि डेडपूल को वुल्वरीन की जरूरत किस लिए है, ये हमें मूवी में आगे पता चलेगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि डेडपूल जैसे ही कुछ देर बातें करता है, वैसे ही वहाँ पे टीवीए की बहुत सारे पोर्टल्स खुल जाते हैं और उन सभी पोर्टल से टीवीए के बहुत सारे एजेंट्स बाहर आते हैं। लेकिन डेडपूल तो डेडपूल है, वो उन सभी को बहुत ही ब्रूटल तरीके से मार देता है। अब हालांकि जिस टाइम पर डेडपूल और टीवी एजेंट्स की फाइट चल रही होती है, उसी टाइम पर डेडपूल हम सबको बताता है कि वो जानता है कि हमको ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम सबको ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि डेडपूल आखिर यहाँ पे कैसे आया, डेडपूल को वुल्वरीन की जरूरत क्यों है और टीवी के एजेंट्स उसे क्यों पकड़ना चाहते हैं। और फिर यहाँ पर ही डेडपूल हमें फ्लैशबैक में लेके जाता है और वो यहाँ से कई साल पहले, साल 2018 के अंदर, और हमसे अब ये देखते हैं कि इस सब की शुरुआत 14 मार्च 2018 को हुई थी, जहाँ पे केबल का टाइम मशीन डिवाइस खराब हो गया था। जैसे ही वो टाइम मशीन डिवाइस सही होता है, डेडपूल उसे ले लेता है और उसका इस्तेमाल करके डेडपूल बहुत से काम करने लगा। जैसे उसने अपने फर्स्ट के वेरियंट्स को मारना स्टार्ट कर दिया और अपने गर्लफ्रेंड को भी जिंदा कर दिया। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि डेडपूल के ये सब करने की वजह से टाइम लाइन में गड़बड़ी शुरू हो गई थी और इसी वजह से टीवीए उसके पीछे पड़ गई थी और धीरे धीरे डेडपूल को ढूंढना शुरू कर दिया। अब बात करें डेडपूल की, तो वो अपनी लाइफ के अंदर बहुत ही खुश रहने लगा। टाइमलाइन में गड़बड़ी करने के बाद उसने वैनेसा को जिंदा किया और साथ ही अपने सारे दोस्तों को भी जिंदा कर दिया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि डेडपूल अपनी टाइम मशीन का इस्तेमाल करके अर्थ 616 पे भी जाता है, जहाँ पर वो हैप्पी से मिलता है और हैप्पी से कहता है कि वो उसे एवेंजर्स में शामिल कर ले, जहाँ पर हैप्पी उसे समझा बुझाकर मना कर देता है और डेडपूल अपने यूनिवर्स में वापस आ जाता है। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि एक दिन डेडपूल का बर्थडे आता है और उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उसके सारे फ्रेंड्स वहाँ पर आए हुए थे। लेकिन जैसे ही वो केक काटता है, टीवी के एजेंट्स वहाँ पे आ जाते हैं और उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। जैसे ही टीवी के एजेंट्स उसे टीवी में लाते हैं, वैसे हम ये देखते हैं कि टीवी एजेंट्स का एक सीनियर ऑफिसर डेडपूल से बात कर रहा है और इस टीवी ऑफिसर का नाम होता है पैराडॉक्स। वो डेडपूल से बातें करता है और उसे समझाता है कि टीवी क्या है और ये कैसे काम करती है। फिर इसीलिए डेडपूल उसकी सारी बातें सुन के ये सब समझ जाता है कि उसे टीवी वाले इसलिए उठा कर लाए हैं कि क्योंकि उसने केबल की टाइम मशीन से टाइमलाइन में गड़बड़ी की थी। अब लेकिन जब डेडपूल को यहाँ पे लाया जाता है, तो पैराडॉक्स उसे एक ऑफर देता है और उसे कहता है कि वो टीवी में सिर्फ एक एम्प्लॉई है, यानी कि वो वहाँ पर काम करता है और जो टीवी को चलाते हैं वो उसके सीनियर्स हैं। एंड उसके सीनियर्स ये चाहते हैं कि वो डेडपूल को एमसीयू यूनिवर्स में भेज दें, यानी कि अर्थ 616 में। अब जैसे ही ये डेडपूल सुनता है, डेडपूल बहुत खुश होता है क्योंकि उसे भी अर्थ 616 में जाना था और वहाँ पे जाके उसे एक एवेंजर बनना था। अब यहाँ पर डेडपूल जैसे ही इस बात को सुनता है कि उसे अर्थ 616 पे जाने का मौका मिल रहा है, वैसे ही वो बहुत खुश हो जाता है और टीवी पर एक ट्रेलर देख के उससे अपना एक नया डेडपूल का सूट सिलवाता है। अब डेडपूल का सूट बनने के बाद उसे दो तलवारें भी दी जाती हैं। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि ये दोनों तलवारें एडवेंडियम मेटल से बनी हुई हैं और वो पैराडॉक्स के पास जाकर उससे कहता है कि वो जल्दी से उसे उसके यूनिवर्स में भेज दें, ताकि मैं वहाँ जाकर अपने दोस्तों से ये बता सकूँ कि मैं अब कुछ टाइम के लिए अर्थ 616 में जा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही पैराडॉक्स ये सुनता है, वैसे ही वो डेडपूल से बताता है कि वो अपने यूनिवर्स में वापस नहीं जा सकता, क्योंकि डेडपूल का जो यूनिवर्स है वो धीरे धीरे करके खुद से ही ख़त्म होता जा रहा है। अब इसके आगे पैराडॉक्स उसे बताता है कि उसकी यूनिवर्स का जो नाम है वो है 1005। और इसी के साथ यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि डेडपूल का जो यूनिवर्स है वो सेम वही यूनिवर्स है जहाँ पर लोगन मरा था। अब यहाँ पर पैराडॉक्स डेडपूल से कहता है कि उसका जो यूनिवर्स है, यानी अर्थ 1005, वो धीरे धीरे करके खुद ही मिटता जा रहा है, जो कि 72 घंटों में पूरी तरह से मिट जाएगा, यानी कि अगले 3 दिनों में। लेकिन डेडपूल ये सुनकर उससे पूछता है कि आखिर ये क्यों हो रहा है। अब यहाँ पर पैराडॉक्स उसे बताता है कि उसका यूनिवर्स इसीलिए ख़त्म हो रहा है क्योंकि उसके यूनिवर्स में जो ध्रुव शक्ति है वो मिट चुकी है
अब इस दुष्शक्ति के बारे में सुनकर डेडपुल को कुछ भी समझ में नहीं आता है और वो पैराडॉक्स से इसके बारे में पूछता है। इस पर पैराडॉक्स उसे बताता है कि हर यूनिवर्स में एक दुष्शक्ति होती है और फिर अगर ये दुष्शक्ति मिट जाए या फिर खत्म हो जाए तो पूरा यूनिवर्स कोलैप्स हो जाता है। और बात करें डेडपुल की यूनिवर्स की तो उसकी यूनिवर्स की दुष्शक्ति और कोई नहीं बल्कि लोगन है जो कि अब मर चुका है और इसी वजह से डेडपुल का जो यूनिवर्स है वो कोलैप्स होता जा रहा है। अब ये सब सुन के डेडपुल पैराडॉक्स से कहता है कि उसे चाहे जो भी करना पड़े लेकिन उसे इस तबाही को रोकना पड़ेगा और इस पर पैराडॉक्स उसे बताता है कि वो इस तबाही को रोकना नहीं चाहता है बल्कि इसे होने देना चाहता है। और इसी के साथ वो डेडपुल को एक मशीन दिखाता है जिसका नाम होता है टाइम रीपर मशीन, जो कि एक ऐसी मशीन होती है जो एक झटके में किसी भी यूनिवर्स को खत्म कर सकती है। इस मशीन को दिखाते हुए पैराडॉक्स उसे बताता है कि जब भी कोई यूनिवर्स धीरे धीरे करके खत्म हो रहा होता है तब ये टीवीए वाले लोग उसे धीरे धीरे खत्म होने के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन इसमें पैराडॉक्स को मजा नहीं आता है। वो चाहता है कि जो भी कोई यूनिवर्स धीरे धीरे करके खत्म हो रहा हो उसे एक ही बार में खत्म कर दिया जाए। और उसके आगे पैराडॉक्स डेडपूल को ये बताता है कि उसका जो यूनिवर्स है उस यूनिवर्स के साथ भी ये लोग ऐसा ही करने वाले हैं। अब पैराडॉक्स की ये सब बातें सुनकर डेडपूल को बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपने मन में ये डिसाइड करता है कि अगर एक वुल्वरीन है उसकी यूनिवर्स की दुःशक्ति है तो उस दुःशक्ति को बनाए रखने के लिए एक दूसरा वुल्वरीन वहाँ पर लाएगा। और इसके बाद डेडपूल पैराडॉक्स को पीट कर उसकी मशीन छीन लेता है। ये मशीन टीवी की वही मशीन है जिसके जरिए वो लोग पोर्टल बना सकते हैं। और इसके बाद डेडपुल सीधा एक पोर्टल खोलता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर इसके बाद धीरे धीरे करके वो वुल्वरीन्स को ढूंढने लगता है और इसके बाद फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। अब कहानी सीधा वहीं पर आती है जहाँ पर डेडपुल टीवी एजेंट्स के साथ फाइट कर रहा था और उन सबको मार रहा था। उन सबको मारने के बाद डेडपुल अपनी खोज फिर से चालू कर देता है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि डेडपुल वुल्वरीन को ढूंढने के लिए बहुत सारी यूनिवर्सेस में जाता है और इसी दौरान वो एक ऐसे यूनिवर्स में जाता है जहाँ का वुल्वरीन हाइट में बहुत छोटा है। इसके साथ ही उसे एक ऐसा वुल्वरीन भी मिलता है जिसके दोनों हाथ ही नहीं होते हैं और इसके बाद उसे एक ऐसा वुल्वरीन भी मिलता है जो कि असल में वुल्वरीन नहीं बल्कि सुपरमैन था। और ये सारे वुल्वरीन जैसे ही डेडपुल को देखते हैं वो उसे बहुत पीटते हैं और वहाँ से भगा देते हैं। इन सब के बाद डेडपुल एक ऐसे वुल्वरीन के पास जाता है जो कि एक बार के अंदर बैठा हुआ था। लेकिन यहाँ पर जब डेडपुल वुल्वरीन को अपने साथ चलने के लिए कहता है और फिर डेडपुल अपने मन में ये सोचता है कि शायद ये वाला वुल्वरीन उसके लिए परफेक्ट है और फिर ये वाला वुल्वरीन भी बाकी सबकी तरह मना कर देता है। लेकिन इस सब के बाद जैसे ही वुल्वरीन दारू पीकर बेहोश हो जाता है वैसे ही डेडपुल उसका पैर घसीटते हुए एक पोर्टल के जरिए टीवीए में ले आता है और पैराडॉक्स से कहता है कि हम दोनों को मेरे यूनिवर्स में भेज दो और इस वाले वुल्वरीन को मेरे यूनिवर्स की दुःशक्ति बना दो ताकि मेरा यूनिवर्स खत्म ना हो। लेकिन जैसे ही पैराडॉक्स इस वाली वुल्वरीन को देखता है वो डेडपुल को बताता है ये वाला जो वुल्वरीन है वो बाकी सारे वुल्वरीन से बहुत ही वाहियात है और वो उसे ये भी बताता है कि इस वाले वुल्वरीन की वजह से ही इसकी दुनिया के सारे लोग मारे गए थे। इसके साथ ही पैराडॉक्स डेडपुल से ये कहता है कि टीवी वालों ने उसे एमसीयू यूनिवर्स में जाने का मौका दिया था और डेडपुल वहाँ पे जाके अपनी लाइफ अच्छे से जी सकता था, लेकिन डेडपुल ने टीवी वालों को बेसिकली धोखा दे दिया था और टीवीए के बहुत से एजेंट्स को भी मार दिया है, इसलिए वो उन दोनों को शून्य में भेज देगा। ये शून्य वही जगह है जहाँ पर लूकी सीरीज में हमें दिखाया गया था और फिर वो उन दोनों को शून्य लोक में भेज देता है और फिर वुल्वरीन का नशा टूटता है और वो डेडपुल से पूछता है कि वो उसे यहाँ किस लिए लेके आया है और वो डेडपुल पर हमला करता है और यहाँ पर डेडपुल और वुल्वरीन की फाइट शुरू हो जाती है और ये वाली फाइट सच में बहुत कमाल की होती है और उन दोनों की ये फाइट काफी लंबे समय तक चलती है और फिर डेडपुल वुल्वरीन से कहता है कि उन दोनों को लड़ना नहीं चाहिए बल्कि एक साथ काम करना चाहिए। टीवी वाले डेडपुल के यूनिवर्स को खत्म करने वाले हैं और उन दोनों को मिलकर डेडपुल के यूनिवर्स को बचाना चाहिए। लेकिन ये सुनकर वुल्वरीन साफ मना कर देता है, लेकिन डेडपुल उससे कहता है कि टीवी वालों के पास ऐसे भी पावर्स हैं जिनकी वजह से वुल्वरीन की सारी दुनिया को वापस लाया जा सकता है और इस तरह डेडपुल और वुल्वरीन दोनों की दुनियाएं बच जाएंगी। ये आइडिया वुल्वरीन को अच्छा लगता है और वो दोनों साथ मिलकर काम करने लगते हैं। लेकिन अगले ही पल उन दोनों के पास एक आदमी आता है जो कि उनसे कहता है कि यहाँ घूमना ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर रहता है जिसका नाम अलायत है और वो तुम्हें देखेगा तो तुम्हें खा जाएगा। लेकिन अगर तुम उससे बच भी गए तो यहाँ पर एक गंजी डायन रहती है जिसका नाम कैसेंड्रा नोवा है और वो इतनी पावरफुल है कि तुम दोनों को एक झटके में मार सकती है। लेकिन अगले ही पल हम ये देखते हैं कि वहाँ पर कई सारी गाड़ियाँ आ रही हैं और उन पर जो लोग बैठे हुए हैं वो कैसेंड्रा नोवा के आदमी और इस सब के बाद वो अनजान आदमी भी उनके साथ हो जाता है और जब वो अपने चेहरे से कपड़ा हटाता है तो हम लोग ये देख सकते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि हमारा कैप्टन अमेरिका है। लेकिन यहाँ पर वो कैप्टन अमेरिका नहीं बल्कि ह्यूमन डॉर्च है।
कुछ ही देर बाद यहाँ पे कसंत्रा नोवा के आदमी पहुंच जाते हैं और इन सभी आदमियों में सेवटर भी होता है जो कि इन तीनों को देखते ही, लेकिन वुल्वरीन सिंपली उसे एक ही झटके में खत्म कर देता है। लेकिन क्योंकि उनके पास काफी एडवांस टेक होता है, वो सिंपली ह्यूमन राज की पावर को कम कर देते हैं और उन तीनों को रस्सी में बांध कर कैद कर लेते हैं और उन तीनों को कसेंट्रा नोवा के पास ले आते हैं। जैसे ही ये इन तीनों को कसेंट्रा नोवा के पास लाते हैं, वैसे ही हम ये देखते हैं कि जो कसेंट्रा नोवा का अड्डा होता है वो और कोई नहीं बल्कि एंटमैन की डेड बॉडी होती है। और यहाँ पे कसेंट्रा नोवा के काफी सारे आदमी होते हैं और इनमें कुछ म्यूटेंट्स भी होते हैं जो कि सब कसेंट्रा नोवा के गुलाम होते हैं और इन गुलामों में से एक गुलाम जैगरनॉट का एक वेरियंट होता है। लेकिन जैसे ही डेडपूल कसेंट्रा नोवा को देखता है, वो उसे ह्यूमन डॉच के बारे में भड़काने लगता है। वो कसेंट्रा नोवा को बताता है कि ह्यूमन डॉच ने ही हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया था कि तुम एक गंजी और पागल औरत हो। ये सब सुन के कसेंट्रा नोवा को बहुत गुस्सा आता है और ह्यूमन डॉच की खाल उधेड़ देती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन फिर इसके बाद ही वो डेडपूल और वुल्वरीन दोनों को ये बताती है कि असल में उसका नाम कसेंट्रा नोवा है और वो प्रोफेसर चार्ल्स जेवर की जुड़वा बहन है। लेकिन जब वो दोनों पेट पर थे तो उसने अपने भाई को मारने की कोशिश की थी, लेकिन उसके भाई ने ही उसे मार दिया था। लेकिन जब वो पैदा हुई तो उसे पता चला कि वो जिंदा है और टीवी वालों ने उसे यहाँ फेंक दिया। लेकिन वो यहाँ आकर खुश है क्योंकि यहाँ पर वो अपनी शक्तियों को बिना किसी रोक टोक के इस्तेमाल कर सकती है और उसने इन सभी म्यूटेंट्स को अपना गुलाम बना रखा था, जो कि वो इन दोनों के साथ भी करने वाली है। इस पर वुल्वरीन को बहुत गुस्सा आता है और वो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन कसेंड्रा उसे बिना हाथ लगाए हरा देती है और वो देखती है कि अलायत उनकी तरफ आ रहा है। वो डेडपूल और वुल्वरीन दोनों से कहती है कि अगर तुम मेरी गुलामी नहीं करोगे तो मैं तुम दोनों को इस मॉन्स्टर के हाथों मरने के लिए छोड़ दूंगी, और अपने आदमियों के साथ वहां से निकल जाती है। अब धीरे धीरे करके अलायत डेडपूल और वुल्वरीन दोनों के पास आ रहा होता है, लेकिन वो टाइम रहते एक मशीन को देखते हैं और उसे एक्टिवेट करके वहां से भाग जाते हैं। एक दूर की जगह आने पर ही वो देखते हैं कि एक कुत्ता उनके पास दौड़ा चला आ रहा है और वो छोटा सा कुत्ता और कोई नहीं बल्कि डॉग पूल होता है। लेकिन उसी कुत्ते के पीछे एक डेडपूल का वर्जन आ रहा है जो कि अपना नाम नाइस पूल बताता है, और वो डेडपूल और वुल्वरीन दोनों से ये कहता है कि उसके जैसे यहाँ पर बहुत से डेडपूल के वर्जन हैं। लेकिन वो सबके सब बहुत ही सनकी हैं और उन सबसे कसेंट्रा नोवा अपना काम कराती है। इसका मतलब है कि वो सब डेडपूल के वर्जन भी कसेंट्रा नोवा के गुलाम हैं। इसके बाद ही वुल्वरीन नाइस पूल से कहता है कि असल में वो और डेडपूल यहाँ से बहुत दूर जा रहे हैं, और ये सब सुन के नाइस पूल जो होता है वो उन दोनों को अपनी गाड़ी दे देता है ताकि उन दोनों को यहाँ से जाने में आसानी हो। इसके बाद ही वो दोनों नाइस पूल की गाड़ी ले लेते हैं और वहां से बहुत दूर आ जाते हैं। लेकिन गाड़ी के अंदर ही उन दोनों की बहस हो जाती है और बहस करते करते वो दोनों लड़ने लगते हैं, और फिर लड़ते लड़ते वो दोनों एक दूसरे की बहुत ही बुरी हालत करते हैं, और उसके बाद वो थकने से ही बेहोश हो जाते हैं। लेकिन फिर हम ये देखते हैं कि वहाँ पर X-23 आती है और वो उन दोनों को गाड़ी में बैठा कर ले जाती है, और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये X-23 वही X-23 है जो लोगन मूवी के अंदर दिखी थी। और जैसे ही डेडपूल और वुल्वरीन की आंखें खुलती हैं, वो दोनों देखते हैं कि वो दोनों एक घर के अंदर हैं, जहाँ पे उनसे मिलने के लिए इलेक्ट्रो, ब्लेड, ग्लैम्बिड और X-23 मिल रहे हैं। उन दोनों को ये बताते हैं कि X-23 उन्हें यहाँ लेके आई है, और यहाँ पर बातों बातों में उन्हें ये पता चलता है कि डेडपूल और वुल्वरीन कसेंट्रा नोवा के यहाँ से जिंदा वापस आए। और फिर वो लोग ये सोचते हैं कि डेडपूल और वुल्वरीन काफी ज्यादा पावरफुल, और फिर इसके लिए वो लोग मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं और प्लान करते हैं कि वो लोग मिलकर कसेंट्रा नोवा खत्म कर देंगे क्योंकि उसने इस वर्ल्ड के अंदर बहुत ही ज्यादा आतंक मचा रखा। इसके बाद ही वो सब अपनी सारी तैयारियां करते हैं और एक टीम बनकर तैयार हो जाते हैं, और फिर वो सब अपनी गाड़ी निकालते हैं और गाड़ी में बैठकर कसेंट्रा नोवा को खत्म करने के लिए निकल जाते हैं। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि वो लोग सीधा कसेंट्रा नोवा के पास पहुंच जाते हैं, और वहां पर जितने भी म्यूटेंट्स कसेंट्रा नोवा के गुलाम होते हैं वो सब भी वहां पर उनसे लड़ने के लिए वो सामने आ जाते हैं। इस फाइट के अंदर हम ये देखते हैं कि ग्लैम्बिड, इलेक्ट्रा, ब्लेड और X-23 नीचे के सारे लोगों को संभाल कर रखते हैं, और फिर इसी वक्त का फायदा उठाकर डेडपूल और वुल्वरीन सीधा कसेंट्रा नोवा को पकड़ने के लिए, और फिर हमें ये पता चलता है कि इन सब ने यहाँ से आने से पहले अपनी प्लानिंग बनाई थी, और प्लानिंग के अंदर उन्हें ये पता बेसिकली वो कसेंट्रा नोवा के पास भी पहुंच जाए तो भी वो उसे हरा नहीं पाएंगे क्योंकि उसके पास साइकिक पावर्स हैं, और उसे अपनी साइकिक पावर्स को यूज करने से तभी रोका जा सकता है जब उसके सर में मैग्नीटो का हेलमेट पहना दिया जाए। लेकिन कसेंट्रा नोवा भी इस बात को जानती थी, और इसीलिए जब शून्य के अंदर एक मैग्नीटो आया था तो उसने उसे तुरंत ही मार दिया था और उसके हेलमेट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। तभी डेडपूल ये सजेशन देता है कि हम लोग मैग्नीटो के हेलमेट की जगह जैगरनॉट का हेलमेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो जैगरनॉट का वेरियंट है वो कसेंट्रा नोवा का गुलाम है, और इसीलिए हमें उसके सर से किसी तरह उसका हेलमेट निकालकर कसेंट्रा नोवा के सर में पहनाना होगा, जिसके बाद ही वो अपनी पावर्स को यूज नहीं कर पाएगी और सिंपली हम
लोग उसे मार देंगे। अब कहानी सीधा फाइट के अंदर आती है, जहाँ पर इलेक्ट्रा, गैम्बिट, ब्लेड और X23 सभी म्यूटेंट्स फाइट कर रहे थे और वुल्वरीन और डेडपूल सीधा कैसेंड्रा नोवा के लिए अंदर आ गए थे। फाइट के दौरान ही हम लोग ये देखते हैं कि X23 जगरनॉट के पैर कर देती है और उसके सर से हेलमेट निकालकर ऊपर फेंक देती है, जिसके बाद ही वो हेलमेट सीधे डेडपूल के पास आकर गिरता है और उसके बाद सीधा वुल्वरीन और डेडपूल कैसेंड्रा नोवा को उलझाते हैं और मौका पाते हैं डेडपूल सीधा कैसेंड्रा नोवा के सर पर वो हेलमेट पहना देता है, जिसके बाद वो अपने पावर्स का यूज नहीं कर पाती। लेकिन ऐसा करके जैसे ही वो लोग उसे मारने वाले होते हैं, उससे पहले वो लोग ये देखते हैं कि कैसेंड्रा नोवा के गुलामों में से एक गुलाम ने कैसेंड्रा नोवा को मारने के लिए उस पर गोली चलाई और वो गोली चलाते हुए कहता है कि मुझे इसी टाइम का इंतजार था कि मैं एक दिन तुम्हें जान से मार पाऊं। लेकिन यहाँ पर वुल्वरीन जैसे ही ये देखता है वो गोली चलाने वाले को जान से मार देता है। लेकिन फिर तभी वुल्वरीन और डेडपूल ये देखते हैं कि कैसेंड्रा नोवा उन दोनों के सामने मर रही होती है और फिर वुल्वरीन इसीलिए इसी टाइम पर उसे समझाता है कि वो बेशक से अपने भाई से नफरत करती है और वो उसे बहुत ही बुरा मानती है, लेकिन वो हमेशा से ही बहुत अच्छा आदमी है और उसने हमेशा से अपनी बहन से यानी उससे बहुत प्यार किया और अगर उसे पता होता कि तुम कहाँ पर हो तो वो तुम्हें ढूंढने के लिए शून्य लोक पर जरूर आता, क्योंकि उसके भाई ने हमेशा दुनिया की भलाई के लिए काम किया। कैसेंड्रा नोवा जैसे ही ये बातें सुनती है वो बहुत ही इमोशनल हो जाती है और फिर ये देखकर डेडपूल से वुल्वरीन कहता है कि वो उसके सर से जगरनॉट का हेलमेट हटा दे, क्योंकि वुल्वरीन उसे जीने का एक मौका देना चाहता है। लेकिन डेडपूल उससे ये कहता है कि अगर उसने इसके सर से हेलमेट हटा लिया तो हमें उनको मार देगी, लेकिन वुल्वरीन ये कहता है कि कैसेंड्रा नोवा ऐसा नहीं करेगी क्योंकि अब उसे इस पर पूरा भरोसा है। अब ये सुनकर डेडपूल उसके सर से हेलमेट हटा देता है और इसके बाद हम ये देखते हैं कि वुल्वरीन बिल्कुल सही था, कैसेंड्रा नोवा पूरी तरह से बदल चुकी थी, इसलिए वो उन दोनों को नहीं मारती और उन दोनों से कहती है कि कुछ देर में अलायत यहाँ पर आने वाला है और अगर वो यहाँ पर आ गया तो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा, इसलिए वो ये चाहती है कि वो दोनों यहाँ से जल्दी निकल जाएं और अपनी यूनिवर्स में वापस चले जाएं। लेकिन वो दोनों से पूछते हैं कि आखिर वो यहाँ से कैसे निकल सकते और फिर कैसेंड्रा नोवा उन दोनों को एक नकेल दिखाती है जो डॉक्टर स्ट्रेंज की होती है और वो उन दोनों से कहती है कि असल में यहाँ पर कई सालों पहले एक जादूगर है जो कि काफी पावरफुल था, लेकिन उसने उसे मार दिया और उसकी ये नकेल रख ली क्योंकि ये नकेल कहीं भी आने जाने के लिए पोर्टल खोल सकती है। और फिर ये बोलकर वो उन दोनों के लिए एक पोर्टल खोल देती है और उन दोनों से कहती है कि वो यहाँ से निकलकर चले जाएं और डेडपूल और वुल्वरीन देर न करते हुए वहाँ से जल्दी निकल जाते हैं। लेकिन इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो कैसेंड्रा नोवा वो सीधा उसी आदमी के पास जाती है जिसने उस पर गोली चलाई और वो ये देखती है कि वो अभी भी जिंदा है और इसके लिए वो उसे पकड़ती है और उसे पूछती है कि आखिरकार उसने उस पर गोली क्यों चलाई थी और इससे वो आदमी उसे बताता है कि असल में टीवी के अंदर जो पैराडॉक्स है उसने कैसेंड्रा नोवा को मारने के लिए कहा था और उसने कहा था कि अगर उसने उसे मार दिया तो वो उसे शून्य से बाहर निकाल लेगा और इस पर कैसेंड्रा नोवा को बहुत गुस्सा आता है और वो पैराडॉक्स को मारने के लिए सीधा एक पोर्टल खोलती है जो सीधे डेडपूल की यूनिवर्स में खुलता है क्योंकि पैराडॉक्स जो है वो यहीं पर था और वो इसलिए क्योंकि पैराडॉक्स ने डेडपूल की यूनिवर्स में वो मशीन फिट कर दी थी और वो अपनी टाइम रीपर मशीन से उस यूनिवर्स को उड़ाने वाला था। और हम ये देखते हैं कि डेडपूल और वुल्वरीन के पीछे पीछे कैसेंड्रा भी वहाँ पर पहुंच जाती है और वो सीधा पैराडॉक्स को पकड़कर उसके दिमाग को पढ़ने लगती है और इससे उसे ये पता चलता है कि उसने ऐसी मशीन बना ली है जिससे पूरी एक यूनिवर्स को एक झटके में खत्म किया जाता है। अब ये जानते ही कैसेंड्रा नोवा के दिमाग में एक खुफिया प्लान आता है और बेसिकली वो डिसाइड करती है कि वो धीरे धीरे करके सारी यूनिवर्सेस को मिटा देगी और सिर्फ शून्य और फिर वो आराम से शून्य पर राज करेगी और ये सब करने के लिए वो आराम से टाइम रीपर मशीन के पास जाती है। ये चीज देखकर डेडपूल और वुल्वरीन उसे रोकने के लिए आते हैं पर वो एक झटके में दोनों को उड़ाकर दूर फेंक देती है और अपने काम को पूरा करने के लिए निकल जाती है। अब ये देखकर डेडपूल और वुल्वरीन सीधा पैराडॉक्स के पास आते हैं और वो उससे पूछते हैं कि आखिरकार हम इसे कैसे रोक सकते हैं। इस पर पैराडॉक्स उन्हें बताता है कि कैसेंड्रा नोवा उनसे काफी ज्यादा पावरफुल है और इसलिए वो उसे रोक नहीं सकते हैं और हाँ वो उस मशीन को जरूर रोक सकते हैं। वो उन दोनों को बताता है कि मशीन में दो तारे लगे हुए हैं, एक तार मैटर की है और एक तार एंटी मैटर की है और अगर उन दोनों तारों को मिला दिया जाए तो उसे एक बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट हो सकता है जिससे ना वो मशीन डिस्ट्रॉय होगी और उसे चलाने वाली कैसेंड्रा भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन पैराडॉक्स उन्हें ये भी बताता है कि ये शॉर्ट सर्किट करने वाला भी जिंदा नहीं बच पाएगा और वो इसलिए क्योंकि शॉर्ट सर्किट करते ही मशीन बहुत जोर से फटेगी और वो धमाका सब कुछ अपने साथ ले जाएगा। और ये सुनकर डेडपूल और वुल्वरीन उसे कहते हैं कि हमें कुछ भी नहीं होने क्योंकि हमारे पास हीलिंग फैक्टर है। इस पर पैराडॉक्स उन्हें कहता है कि ये मशीन सच में बहुत खराब है और तुम दोनों में से जो इस मशीन में शॉर्ट सर्किट करेगा वो बेसिकली राख हो जाएगा और वो फिर से कभी ठीक नहीं हो पाएगा। अभी ये सुनकर दोनों उस मशीन के नीचे जाते हैं ताकि वो उसके दोनों तारों को जोड़कर शॉर्ट सर्किट को कमरे में धक्का देकर उसे बंद कर देता है ताकि डेडपूल अकेला इस काम को कर सके और वुल्वरीन की जान न जाए। लेकिन हम ये देखते हैं कि जब डेडपूल ऐसा कर रहा होता है तब डेडपूल को एक तार को खींचकर दूसरे तार के पास लाने में बहुत दिक्कत हो रही होती है। अब ये देखकर वुल्वरीन अपने गेट को दौड़ देता है और जल्दी से डेडपूल के पास आकर उसका हाथ पकड़ के दूसरे तार को पकड़ देता है। उन दोनों के तार को पकड़ने की वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है जिसके बाद ही वो मशीन भी फट जाती है और कैसेंड्रा नोवा भी मर जाती है और तो और डेडपूल और वुल्वरीन दोनों भी फट जाते हैं। लेकिन कुछ ही टाइम बाद हम ये देखते हैं कि डेडपूल और वुल्वरीन दोनों फिर से ठीक हो जाते हैं। अब इस पर पैराडॉक्स उनसे पूछता है कि आखिरकार वो दोनों बच कैसे गए। तब वो दोनों इसे बताते हैं कि
अगर उनमें से किसी एक ने यह काम किया होता तो वो जरूर मर जाता है, लेकिन जब दोनों ने एक साथ ये काम किया तो इस पर ब्लास्ट का आधा ही असर हुआ और उन दोनों ने खुद को हील कर लिया और इसी तरह उन्होंने मशीन में शॉर्ट सर्किट करके सब कुछ खत्म कर दिया। अब यहाँ पर सब कुछ होने के बाद हंटर भी 15 आती है और वो लोग बेसिकली पैराडॉक्स को गिरफ्तार कर लेते हैं क्योंकि उसने एक इलीगल टाइम रीपर मशीन बनाई थी जिससे एक यूनिवर्स को एक ही झटके में खत्म किया जा सके। वो पैराडॉक्स से कहते हैं कि टीवी अब तुम पर कार्रवाई करेगा और तुम्हें सजा भी देगा। रही बात डेडपूल और वुल्वरीन की तो हंटर बी 15 उनका रिस्पेक्ट करती है क्योंकि उन्होंने ही सारे यूनिवर्सेस को तबाह होने से बचाया था और इसीलिए वो उन दोनों से कहती है कि वो यहाँ से जा सकते हैं और खुशी खुशी अपनी लाइफ जी सकते हैं। और फिर इसके बाद हम ये देखते हैं कि डेडपूल वुल्वरीन से कहता है कि अगर तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकते हो और इस बात पर वुल्वरीन मान जाता है। अब वुल्वरीन डेडपूल और उसकी गर्लफ्रेंड और उसके सारे दोस्त एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं और अब यहीं पे हमारी मूवी एंड हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और मज़ेदार वीडियोस को देखने के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।